गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट टू पढ़ रहे हैं। यूनिट टू का जो अपना आज का टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान एक कला है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसका पार्ट टू पढ़ेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कला किस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान को कला की संज्ञा दे सकते हैं, तो हमने कला के अर्थ के बारे में पढ़ा था कि कला का अर्थ वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोगी कला होता है, जिसमें हमने कला के दो प्रधान कार्य के बारे में भी चर्चा की कि उसका प्रथम कार्य ये था कि आदर्श की प्राप्ति के मार्ग का दिग्दर्शन करना और दूसरा कार्य था व्यवहारिक प्रदर्शन के बारे में। तो ये जो दोनों गुण हैं, ये दोनों कार्य हैं प्रधान कार्य कला के, ये राजनीति विज्ञान के अंदर विद्यमान है या नहीं है, इसके प्रकार को स्पष्ट करते हुए हम इसके कुछ बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, पहला पॉइंट है अपना राजनीति विज्ञान एक कला है, किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो नंबर एक पे फर्स्ट पॉइंट है आदर्श समाज का निर्माण। फर्स्ट पॉइंट है वो है आदर्श समाज का निर्माण। जो कला के दो प्रधान कार्य थे, पहला था कि आदर्शता का दिग्दर्शन करना और दूसरा व्यवहारिक प्रदर्शन, ये दोनों इसके अंदर किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आदर्श समाज का निर्माण। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सुख शांति और सहयोग की स्थापना हो सके। हम लिख देंगे राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है, या ऐसे समाज की स्थापना करना है जिससे सुख शांति और सहयोग की भावना एवं सहयोग की स्थापना हो सके ठीक है। राजनीति विज्ञान ऐसे आदर्श समाज के निर्माण का मार्ग बताता है, यानी राजनीति विज्ञान के अंदर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिस समाज में सुख विद्यमान हो, शांति और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें, या एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है या ऐसे समाज के बारे में मार्ग बताता है कि आदर्श समाज के प्रधान उपादानों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनमें बाधा उत्पन्न करने वाले को तत्व जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन तत्वों को, जो असामाजिक तत्व है उन तत्वों को किस प्रकार से दूर किया जा सके, इस प्रकार राजनीति विज्ञान कला के प्रथम महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति करता है। इसके अंतर्गत हम यह बताता है कि आदर्श समाज के प्रधान उपादानों को कैसे प्राप्त किया जाए, आदर्श समाज के निर्माण के लिए जो उपाय हैं उन उपायों को किस प्रकार से समाज में लागू किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए सकता है, और उनमें
उत्पन्न करने वाली बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी जो प्रथम कार्य था आदर्शता का दिग्दर्शन करना, उसकी यह पूर्ति करता है कि इसके अंतर्गत किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके जो आदर्श समाज का निर्माण कर सके उन उपाय को प्राप्त किया जाए, और जिनको बाधा उत्पन्न करते हैं उन बाधाओं को किस प्रकार से दूर किया जाए उनके लिए भी ये कार्य करता है। इस प्रकार जो पहला कार्य था कला का प्रधान कार्य, वो इसकी पूर्ति करने में भी ये योगदान देता है। दूसरा है व्यवहारिक प्रदर्शन। दूसरा जो कार्य है वो है व्यवहारिक प्रदर्शन। ठीक है, दूसरा जो कार्य है व्यवहारिक प्रदर्शन, यह दूसरा कला का दूसरा कार्य है जो व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए माना जाता है। राजनीति विज्ञान आदर्श सामाजिक व्यवस्था के दिग्दर्शन के अतिरिक्त व्यवहारिक प्रदर्शन की व्यवस्था भी करता है। व्यवस्था के दिग्दर्शन के अतिरिक्त उसमें व्यवहारिक प्रदर्शन की जो व्यवस्था है वह वास्तव में किसी ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि उसके अनुसार हम जीवन यापन कर सके। इसके अंदर लिखेंगे वास्तव में किसी ज्ञान की सार्थकता सही अर्थ यह होता है सार्थकता इसी में है कि उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे, अन्यथा ज्ञान उस गाय के समान रह जाएगा जो दूध नहीं देती है। यानी वास्तविक अर्थ में ज्ञान ये होता है कि मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए प्रेरणा दे सके, नहीं तो वो ज्ञान उस गाय के समान हो जाएगा जो दूध नहीं देती है। राजनीति विज्ञान तो वस्तु तो वह काम देनु है जिसके अध्ययन से सफल और सुखी सामाजिक जीवन के जो उपादान है वो उपलब्ध हो जाते हैं। राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसके द्वारा समस्त जीवन के पहलू के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अतः व्यवहारिक अनुशासनशीलता यह प्रस्तुत करता है तथा यह सुखी जीवन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अनुशीलन को सच्चे आदर्श की परिभाषा को परिपूर्तित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि नागरिक शास्त्र में कला के भी तत्व विद्यमान है और विज्ञान के भी। अतः राजनीति विज्ञान इस भाव से कला को विज्ञान दोनों ही है। यह परिस्थितियों की खोज करता है और अपनी खोजों के परिणामों का मानव कल्याण में वृद्धि करके प्रयोग भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान
अतः राजनीति विज्ञान इस भाव से कला और विज्ञान दोनों ही हैं। हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं। विज्ञान दोनों ही है कि यह परिस्थितियों की खोज करता है, परिस्थितियों की खोज करता है और अपनी खोजों के परिणामों को और अपनी खोजों के परिणामों को परिणामों को मानव कल्याण की वृद्धि करने में प्रयोग करता है। इस प्रकार हमने आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा, आदर्श राजनीति विज्ञान एक कला है, इसका दूसरा पार्ट जो आदर्श समाज का निर्माण करती है और व्यवहारिक प्रदर्शन में किस प्रकार से योगदान देती है उसके बारे में हमने जो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा की है। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।